नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम नवरात्र स्पेशल में, और मैं हूँ आपके साथ पूजा। दर्शकों, आज नवरात्र का सातवां दिन है। सातवें दिन माता रानी के सातवें स्वरूप यानी कि काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। तो काल रात्रि माता की पूजा आप कैसे करें? माँ काल रात्रि का स्वरूप तो बहुत भयंकर है, पर माता का हृदय बेहद ही सौम्य है। आप इस दिन माता रानी से जो कुछ भी मांग लेंगे, माता रानी आपकी मुरादें जरूर पूरी करेंगी। आज के इस खास कार्यक्रम में आपको माँ काल रात्रि के बारे में बताने के साथ साथ आज आपको ये भी बताएंगे कि अंकों के हिसाब से आज का दिन आपका जो है वो कैसा रहने वाला है। तो अंकों की जानकारी के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश विदेश की जानी मानी टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अलंकृता मानवी जी। तो चलिए सबसे पहले अलंकृता जी का स्वागत करेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अलंकृता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जय माता दी। जय माता दी। मैं अपने सभी दर्शकों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, वो कहते हैं अभी ना पूछो हमसे कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा ही किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में भी जो भी हम ठान लें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन हो। और फिर आज मैं आपके साथ अपने टैरो कार्ड्स लेकर आई हूँ। न्यूमरोलॉजी वाइज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रहेंगे आपके एक से लेकर नौ अंक के सितारे। जी बिल्कुल, इस पे तो चर्चा करेंगे ही, पर आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज माता रानी के सातवें स्वरूप यानी कि काल रात्रि का दिन है। तो काल रात्रि का स्वरूप कैसा है, काल रात्रि माँ के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहती है? देखिए, काल रात्रि माँ जैसा उनका स्वरूप है उससे थोड़ा सा देख के लगता है, उनके तीन नेत्र हैं और गले में जो है वो नर मुंडों की माला है, और माँ जो है उनके सभी हाथों में जो है वो अस्त्र शस्त्र हैं। तो वो सिंबॉलिक हैं कि बुराई और जो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको दूर करने का एक बहुत माँ के अंदर सबसे बड़ी शक्ति है। और आज के दिन जो भी माँ को ध्याते हैं, किसी भी तरह की नज़र, दोष, भूत, प्रेत, किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा जो है उनके जीवन से दूर हो जाती है, और सकारात्मकता और उनके जीवन में एक प्रोटेक्शन अम्ब्रेला उन्हें मिलती है, एक प्रोटेक्शन लेयर उनके पूरे शरीर पे आ जाती है जो भी माँ को सच्चे मन से आज ध्याते हैं। जी बिल्कुल, तो जो भी आज सच्चे मन से माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना करेंगे उनके जीवन की समस्त बाधाएं, समस्त जो दुविधा है वो दूर हो जाएंगी। तो आज के दिन में अलंकृता जी, माँ काल रात्रि को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ किया जाए जिससे माँ प्रसन्न हो जाए? देखिये, माँ जो है, माँ को काला रंग जो है अति प्रिय है, तो काली आप कुछ भी, काली उड़द की दाल और काला कपड़ा और नारियल, ये माँ को अति प्रिय चीज़ें हैं, आप माँ को दान कर सकते हैं। सरसों का तेल, सरसों के तेल का दीपक आप माँ के मंदिर में जाके जलाएं, और साथ ही में ओम एम हैं क्लैंग चामुंडाय विचनम है, ये मंत्र जो है माँ का सिद्ध मंत्र है, इसका उच्चारण हम 108 बार अगर आज के दिन करते हैं तो उससे खुद जो है एक अलग तरह की सिद्धि और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ माँ को जो है वो काला रंग अति प्रिय है, माँ के मंदिर में जाके नारियल, काली दाल और काले वस्त्र, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। हम सरसों के तेल का दीपक, सरसों का तेल दान कर सकते हैं, ये अत्यंत लाभकारी है। बिल्कुल, तो सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद ही खास आज के दिन माना गया है। तो दर्शकों, जो भी आपको अलंकृता जी ने आज के बारे में बताया वो आप जरूर करें। पर कई बार अलंकृता जी, देखा गया है कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है पर हम मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, तो मंत्रों का सही उच्चारण करने से हमारे जीवन में नो डाउट बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मंत्रों का कितना इंपैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मंत्र क्या है, वैसे तो कहते हैं प्रभु जो है वो भाव के भूखे हैं, लेकिन मंत्र शक्ति क्या है, एक तरह से पॉजिटिव एफर्मेशन है। हम अपने अवचेतन मन को एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे रहे हैं मंत्रों के द्वारा, और मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। जैसे मां मृत्युंजय का जाप कहा जाता है कि मुर्दे में भी जान डाल देता है, उसी तरह से बहुत सारे सिद्ध मंत्र हैं, अगर हम उन्हें जाप कर लें और जो मन से एकाग्र होकर जब हम उनका जाप करते हैं तो हमारा वो एक तरह से टूल भी है फॉर बेटर मेडिटेशन और ध्यान। जी बिल्कुल, तो अलंकृता जी, अंकों का हमारे लाइफ में कितना प्रभाव पड़ता है ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अंकों का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है,
जिस जन्म तिथि पे हमारा जन्म हुआ है, जैसे कि अगर 8 तारीख को आपका जन्म हुआ तो आपका अंक बनता है 8, उसी तरह से जैसे 8 के बाद 26 को अगर आपका जन्म हुआ है, 17 को आपका जन्म हुआ है, तो भी आपका अंक 8 ही बनता है, आप ऐड कर सकते हैं। और जो भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे हमारा विवाह, हमारी अपॉइंटमेंट या हमारा कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना, तो हम देखेंगे कि अक्सर वो हमारे लकी डेज में ही फॉल करता है। और न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है, अपने आप में एक साइंस है, और अगर हम न्यूमरोलॉजी के वाइज जान लें कि हमारा आज का दिन या हमारे लकी डेज कौन से हैं, उन दिनों पे हम अपने खास कार्य को करें, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। जी बिल्कुल, तो अंकों की चर्चा करते हैं, तो शुरू कर लेते हैं पहले नंबर से कि पहले अंक जिनका आता है उनका दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो देखिये काल रात्रि का दिन है, और काल रात्रि जो है वो जस्टिस चाहती है, मतलब वो कहते हैं कि अन्याय करने वाले से भी ज्यादा अन्याय सहने वाला बुरा होता है, और खासकर इस देश में औरतों के ऊपर बहुत अन्याय होते हैं, तो माँ जो है वो औरतों की एम्पावरमेंट और औरतों के स्ट्रांग होने को दर्शाती हैं। तो कहीं पे भी अगर आप देखते हैं कि किसी के साथ भी कुछ गलत या ज्यादती हो रही है, तो आज के दिन अगर आप वो भी उसके लिए भी कुछ करें या उसे भी देख के अनदेखा ना करें, तो वो भी अपने आप में पूजा के बराबर ही है। तो देखते हैं आप अंक की बात करते हैं, अंक 1 की आपने बात की, तो जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है दोस्तों, उनका अंक होता है अंक 1। अब अंक 1 वालों की नेचर जो होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज वाले होते हैं और रूलर्स होते हैं ये। आइए देखते हैं इनके सितारे क्या कहते हैं, कैसा रहेगा इनका आज का दिन, और ये क्या विशेष करें जिससे इनका पूरा सप्ताह भी और भी बेहतरीन हो जाए, देखते हैं। देखिए थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना पड़ सकता है, और उस हार्डवर्क का हो सकता है अभी आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन आने वाले वक्त में कोई भी आपके द्वारा किया हुआ कर्म, जो अच्छा कर्म है, वो निष्फल नहीं जाता। तो अपना हार्डवर्क कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तो उस थ्योरी को अपनाओ। थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जा अगर आपको महसूस होती है, तो अपने घर में घी का दीपक, अखंड दीपक आप जगाएं, और साथ में नमक के पोछे लगवाएं, तो उससे फायदा पहुंचेगा। कुछ कन्याओं को अपने हाथ से पीले रंग के फल दान कर दें, उससे भी इन नवरात्रों में आपको फायदा पहुंचेगा और आने वाले समय में। जी बिल्कुल, तो आप चाहते हैं कि ये नवरात्र आपके लिए फल लेके आए, फलदायी हो, तो आपको जो भी उपाय बताए जा रहे हैं उन उपायों को आप करें, जरूर आपका ये जो नवरात्र है वो बेहद ही अच्छा बीतेगा। और बात करें अंक नंबर 2 की, तो उनके लिए क्या कुछ खास है आज? जी देखिए, जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 11 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 2। मून रूल नंबर है, बहुत जैसे मून अपने साइकिल बदलता है, वैसे इन लोगों की नेचर में इमोशनल टर्बुलेंस भी कई बार देखी गई है, पर बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं। आइए देखते हैं इनका ये पूरा सप्ताह कैसा रहेगा, और ये क्या विशेष करें जिससे इनका सप्ताह और भी बेहतरीन हो जाए। टायरो टीचिंग एंड लर्निंग के लिए बहुत ही उत्तम समय है ये इनका। इसके साथ साथ कुछ एक ऐसे आपको वज्रों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आपके अनचाहे दुश्मन या आप किसी को अपने सीक्रेट्स मत बताइए। पार्टनरशिप डील इस सप्ताह थोड़ा सा अवॉइड करिए, और थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि कहीं कोई आपको अगर ऐसा लगे कि कोई बिजनेस में या कहीं पे हार्म पहुंचा सकता है, तो आप थोड़ा सा सतर्क होकर इस सप्ताह चलिएगा। एक छोटा सा आपके लिए टिप ये है, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, अगर आप दुर्गा माँ की स्तुति करेंगे, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करेंगे, तो आपको जरूर फल मिलेगा। और इसके साथ साथ आप लाल रंग के वस्त्र जो है किसी कुआरी कन्या को अगर दान करेंगे, तो वो भी अति उत्तम रहेगा। जी बिल्कुल, तो जो भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं उसे कृपया करके ध्यान से सुने, क्योंकि यही छोटे छोटे उपाय जो है आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, आपकी जीवन को बदल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अंक नंबर 3 की, तो 3 अंक के लिए आज क्या कुछ खास है अलंकृता जी? जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि हमारे द्वारा किया हुआ कोई भी ईश्वरीय कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता, कभी भी निष्काम नहीं जाता। आइए देखते हैं अंक 3, जुपिटर रूल्ड नंबर है ये, और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले और रूलर्स होते हैं, अधिकतर पॉलिटिशियंस और रूलर्स का अगर आप अंक चेक करेंगे तो वो अंक 3 बैठता है। जो लोग 3 तारीख को, 30 तारीख को या फिर जिनका जन्म हुआ है 12 तारीख को दोस्तों, उनका अंक बनता है अंक 3। अब देखते हैं अंक 3 का पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है अंक 3 की किस्मत में, कैसे ये अपनी आने वाली किस्मत को चमका सकते हैं, और ये क्या खास करें जिससे इनकी किस्मत और भी बढ़िया हो जाए, और इस सप्ताह का कैसा रहेगा इनका, देखते हैं कार्ड्स में क्या लिखा हुआ है। तो इनके कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि
डिसीजन मेकिंग का टाइम है, बहुत समय से अगर आप किसी निर्णय को नहीं ले पा रहे हैं तो इस वक्त आप उस डिसीजन को ले सकते हैं और आपका ये डिसीजन होगा राइट। उसके साथ साथ आप अगर पूजा अर्चना उपासना करते हैं, स्पेशली अगर आप चंद्र में कुछ देर 10 मिनट बैठिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए और चंद्र को चांदी के लोटे में अगर आप अर्क देते हैं तो उससे आपके घर में पीस और आपका गुस्सा भी शांत होगा। इसके साथ साथ एक छोटा सा, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे स्पेशल उपाय मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रों में वो जो खेतरी हम बीजते हैं, जब नवरात्रे पूरे हो जाएं तो उस खेतरी के कुछ जो घास है उसे अपने मंदिर में आप रखिएगा तो घर में पूरा साल जो है प्रॉस्पेरिटी आपकी बनी रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप कुछ गरीब कन्याओं को मीठा दान करते हैं तो उससे भी आपको शुभ लाभ पहुंचेगा इस पूरे सप्ताह। जी बिल्कुल, तो पूरे सप्ताह आपके जीवन में खुशहाली आएगी। बस एक आपको उपाय करने, क्या उपाय करने हैं वो आपका लगता जी बता रही है। अंकों के हिसाब से इस नवरात्रि में आप क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अंक नंबर 4 की, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखते हैं कैसा रहेगा अंक 4 का भविष्य। टायरो बताएं यूरेनस रूल्ड नंबर 4। अब जिन लोगों का जन्म हुआ है 22 तारीख को, 13 तारीख को और 4 तारीख को, उनका अंक होता है दोस्तों अंक 4। देखें अगर आपका अंक 4 है तो देखते हैं आपके टायरों में क्या छुपा हुआ है और क्या कहते हैं आपके सितारे। टायरों बताएं क्या लिखा हुआ है अंक 4 की किस्मत में। देखिए थोड़ी सी जेनरोसिटी दिखाने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आ सकता है। हो सकता है आप अपना घर चेंज करें, हो सकता है आप कहीं बाहर ट्रैवल के लिए जाएं, हो सकता है बहुत टाइम से अगर आपका जॉब चेंज का मूड हो तो अब आपको आपके मन मुताबिक नौकरी मिल जाए, तो चेंज होगा और वो चेंज अच्छे के लिए होगा। कुछ फल अपने हाथों से कुछ गरीब कन्याओं को दान कर दें तो उससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। कुछ वृक्ष आप अपने हाथों से लगाएं उससे भी आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। जी बिल्कुल, तो आज है माता रानी के सातवें स्वरूप यानी कि काल रात्रि का दिन। तो काल रात्रि माँ के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम में बने रहें, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं कि आप काल रात्रि माँ की पूजा अर्चना कैसे करें, और इसी के साथ ये भी बता रहे हैं कि अंकों के हिसाब से आपका दिन जो है वो आज का कैसा रहने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं अंक नंबर 5 के बारे में। जी पूजा, अंक 5 मरकरी रूल नंबर है ये। बहुत ही जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग होते हैं अंक 5 वाले लोग। अब आप सोच रहे होंगे जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर जिन लोगों का जन्म 23 को हुआ है उनका अंक बनता है अंक 5। अब देखते हैं टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है अंक 5 की किस्मत में, क्या होगा इनके साथ और क्या कहते हैं इनके सितारे। आइए देखते हैं पूरा सप्ताह कैसा रहेगा अंक 5 का भविष्य। मैं देख रही हूं अपने टायरों में, देखिए कि डिसीजन, और जब बुध जो थे वो सिद्धार्थ से एक बहुत मेजर उनकी लाइफ में डिसीजन उनका जो रुका हुआ था उन्होंने लिया था, तो वैसे ही जो एक मेजर डिसीजन कहीं रुका हुआ है उस डिसीजन को लीजिए। बर्डन महसूस होगा आपको सप्ताह के अंत में, स्ट्रेस अगर आप फील करते हैं तो उससे घबराइएगा नहीं। स्ट्रेस दूर करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, आप स्ट्रेस दूर करने के लिए नमक से जो है नमक सेंधा नमक जो आता है उसके पोछे लगवाइए। एंटी क्लॉकवाइज जो है अगरबत्ती अपने घर में आप ऐसा फील करके कि सारी नकारात्मक ऊर्जा जो खिड़कियों के द्वारा हमारे घर से बाहर जा रही है, अखंड ज्योत अपने घर में और सॉल्ट लैंप का प्रयोग करें, उससे फायदा होगा। कुछ भी क्रिएटिव अगर आप करते हैं, संगीत सुनते हैं तो उससे भी फायदा होगा। नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए अगर आप सरस्वती माँ का एक यंत्र अपने कमरे में या अपने मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करेंगे तो उससे आपके घर में जो है एजुकेशन, क्रिएटिविटी और खुशी आएगी, तो ऐसा आप जरूर करिएगा इस पूरा सप्ताह। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी से हम बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और हमें पॉजिटिविटी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आपके द्वारा बताए गए उपाय से जरूर फायदा आपको सारे दर्शकों को मिलेगा। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं अंक नंबर 6 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीनस रूल नंबर है, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक, क्रिएटिव और बहुत इमोशनल होते हैं अंक 6 वाले लोग। आइए देखते हैं अंक 6 की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। अब जो लोग 15 तारीख को, 6 तारीख को या फिर 24 तारीख को जन्मे हैं उनका अंक बनता है अंक 6।
टायरो बताएं अंक 6 की किस्मत में क्या लिखा हुआ है इन नवरात्रों में, और इसके बाद ये क्या विशेष ऐसा करें जिससे इनके ये जो समय है और भी बेहतरीन हो जाए। देखिए कार्ड ये दर्शा रहे हैं इंटरकनेक्टिविटी, यानी कि जितना आप ज्यादा बाहर निकलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, उतना आपको शुभ कोई न्यूज मिलेगी, कोई काम मिलेगा। और मतलब अपने आप को आइसोलेट मत करिए, अपनी भावनाओं को प्रकट करिए और अपने दोस्तों से मिलते रहिए। एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा समय है ये, जो बच्चे आगे हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं या एजुकेशन बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ साथ जेनरोसिटी कार्ड है, थोड़ा सा जेनरस होकर देखिए कि बहुत समय से अगर आप अपने तक अपनी चीज़ों को समेटे हुए हैं, थोड़ा सा उन्हें बांटिए, अपनी पुरानी चीज़ें, अपनी पुराने जैसे आपके पुराने कपड़े और जूते, जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करें वो चीज़ें गरीब और ज़रूरतमंदों को दान कर दें। और ज़रूरतमंद कन्याओं को अगर आप दान करेंगे तो जैसे पुरानी किताबें अगर आप दान करते हैं, ज़रूरतमंद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, और ख़ासकर नवरात्रों में अगर कन्याओं के को आप दान करेंगे तो उसका एक विशेष आपको लाभ अवश्य पहुँचेगा। जी बिल्कुल, कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 7 वालों की, कि 7 अंक वाले लोग आज क्या करें क्या ना करें और उनकी किस्मत में आज क्या कुछ खास है। जी जी, अंक 7 नेपच्यून रूल नंबर है, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव और बहुत इनके अंदर जो एक खास इमेजिनेशन है लिरिक्स लिखने की, यानी लेखन में बहुत अच्छे होते हैं अक्सर देखा गया है। अंक 7 वाले लोग जिनका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है दोस्तों अंक 7। अभी देखते हैं अंक 7 के लिए क्या अच्छा है, पूरा सप्ताह क्या करें जिसे इनका टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है अंक 7 की किस्मत में। ये रहे इनके सितारे, अभी हम देखते हैं क्या है इनकी किस्मत में और क्या ये खास करें जिससे। देखिए थोड़ा सा एक नेगेटिव कार्ड आया, लेकिन उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी आया, यानी सप्ताह के आने वाले सप्ताह की शुरुआत में हो सकता है आप थोड़ा सा लो फील करें या नकारात्मक ऊर्जा आप पे मतलब अटैक करें, तो आप काली की उस वक्त उपासना करिएगा, आज काल रात्रि भी है, आप काली की एक मूर्ति जो है अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और आप उनके आगे घी का दीपक जलाइए और काली का मंत्र का उच्चारण करें, उससे आपको बहुत लाभ पहुँचेगा। और बाद में जो चेंज आएगा री इनकारनेशन, यानी कि आपकी पूरी लाइफ जो है वो चेंजिंग फेज ऐसा आप देखने को मिलेंगे, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है पूजा। और इसके साथ साथ नीला, अगर आप नीले वस्त्र, क्योंकि नेपच्यून रूल नीले वस्त्र अगर आप दान करेंगे नवरात्रों के दिन कन्याओं को खासकर, तो उससे भी आपको लाभ पहुंचेगा। बिल्कुल, तो देर मत कीजिए, जो भी उपाय आपको इस कार्यक्रम के द्वारा बताए जा रहे हैं उन उपायों को करें जरूर, आपकी जीवन की जो भी दुविधा है, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। बात कर लेते हैं अंक नंबर 8 के बारे में, कि आज उनकी टैरो कार्ड में क्या कुछ किस्मत चमक रही है। जी बिल्कुल, देखते हैं अंक 8, यानी कि जिन लोगों को सैटर्न रूल नंबर है, या तो बहुत अच्छा करते हैं जीवन में या फिर बिल्कुल लो हो जाते हैं या ये संन्यास भी ले लेते हैं, क्योंकि मिडल पाथ नहीं होता इनका, ऐसा अक्सर देखा गया है अंक 8 वाले, और बहुत इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते हैं ये लोग। टायरो बताएं अंक 8 का कैसा रहेगा भविष्य। अब जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को है दोस्तों, उनका अंक बनता है अंक 8। देखते हैं उनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं उनके सितारे, और क्या वो ऐसे ईश्वरीय कर्म करें इन नवरात्रों में जिससे हो जाएं उनके सितारे और भी बुलंद। देखते हैं क्या कहते हैं उनके कार्ड्स। ट्रैवल के योग हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं आप, और वो कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, तो अच्छे कर्म करोगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव उसका इस सप्ताह देखने को मिलेगा। साक्षात काली का कार्ड आया है, तो यानी कि देवी की उपासना, देवी की किसी भी रूप की आप उपासना कर सकते हैं, आप दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, आप काली की पूजा कर सकते हैं, आप अपने घर में जितनी माताएं बहनें हैं उनको सम्मानित करिए, उन्हें प्रसन्न करिए, तो डेफिनेटली आपके आने वाले जीवन में प्रसन्नता खुद ब खुद बनी रहेगी। जी बिल्कुल, तो ये भी जान लेते हैं लंकिता जी कि आखिरी नंबर यानी कि अंक नंबर 9 के लिए आज क्या कुछ खास है। जी पूजा, अंक 9 मार्स रूल नंबर होता है, लीडरशिप क्वालिटीज और बहुत ही स्ट्रांग नंबर होता है, थोड़ा सा गुस्सा इन्हें ज्यादा आता है, लेकिन ओवरऑल लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं ये लोग। जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 9। आइए देखते हैं कि अंक 9 की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, टायरो बताएं क्या रहेगा अंक 9 की
किस्मत में इस पूरा सप्ताह और नवरात्रे कैसे जाएंगे इनके, ये रहे इनके कार्ड। देखिए साक्षात माँ का कार्ड आया है। देवी की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आज आप मन से किसी भी देवी को ध्याएंगे तो आपको फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। माँ का जो मंत्र है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का 108 बार आप पूरे नवरात्रे जाप करें सुबह स्नान करने के बाद, तो आपको उसके फल अवश्य मिलेंगे। उसके साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है। नवरात्रों के बाद आपका अच्छा समय आने वाला है और हर फील्ड में आप जो है आप देखेंगे आपको फायदा पहुंचेगा। पार्टनरशिप के लिए बहुत ही उत्तम कार्ड आया है। कहीं भी कोई भी पार्टनरशिप डील आप सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपके लिए रहेगी वो अति उत्तम। छोटा सा उपाय जो मैं आपको बताती हूँ, कुछ पुष्प जो है माँ के बंधन में, आप कुछ सफेद पुष्प और उनके साथ साथ सफेद वस्त्र जो है गरीब और जरूरतमंद बच्चियों को अगर आप दान करेंगे तो उससे भी आपको अत्यंत लाभ पहुंचेगा। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, ये हमने जाना पूरे के पूरे 9 अंक के बारे में कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला और क्या क्या उपाय करें, वो भी अलंकृता जी ने बताया। पर जाते जाते आज आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आज नवरात्र का 7वां दिन है, काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाए, तो किन किन चीजों का वो आज नवरात्रि के दिनों में ध्यान रखे? देखिए काल रात्रि अपने आप में माँ का एक बहुत स्ट्रांग रूप है और ये रूप ये दर्शाता है कि किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत नजर दोष, हर तरह से माँ जो है वो प्रोटेक्शन का एक सिंबल बताती है। तो आज के जमाने में बहुत सारे अन्याय, बहुत सारे इनजस्टिस हम अपने आसपास देखते हैं और हम आवाज नहीं उठाते, लेकिन और स्पेशली अगर महिलाओं का अगर आप कहीं भी कुछ गलत होते हुए देखें तो उसके लिए आवाज अवश्य उठाएं और अपने घर में भी अपनी माताओं को, बहनों को, बेटियों को और अपनी जितनी भी आपकी दोस्त हैं, पत्नी हैं, सभी महिलाएं जो हैं वो सम्मान के अधिकारी हैं, तो आप उन्हें खुश रखें और साथ ही में माँ की पूजा अर्चना भी करें। भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, तो जो भी करें वो अपने साफ मन के साथ करें और एकाग्रता के साथ करें, प्रसन्न रहें, हर क्षण को भरपूर जिए। जी बिल्कुल। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपने जो भी उपाय बताए हैं उन उपायों से उनकी जीवन की जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। अलंकृता जी, आप स्टूडियो में आए, अच्छी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने सुना और जाना और समझने की कोशिश की कि अंकों के हिसाब से आज का दिन किसके लिए बेहतर है और आज आप क्या क्या छोटे छोटे ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो हम भी यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आज के कार्यक्रम के द्वारा जो भी आपको उपाय बताए गए हैं उन उपायों को करें और उम्मीद करते हैं कि उन उपायों से आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। फिलहाल आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। जय माता दी।